अभी अभी लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ लोकसभा के 5 चरणों के चुनाव के बाद 2 चरणों के चुनाव शेष बचे हुए हैं, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, आप किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या कांग्रेस के युवा नेता एवं अध्यक्ष राहुल गांधी को या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले एवं लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर नागरिकता को लेकर उठे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और राजीव खन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को अस्वीकार कर दिया है कि एक फॉर्म में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का कथित रूप से उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में कब पता चला। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक कागज ब्रिटिश के रूप में अपनी नागरिकता नोट कराता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रिटिश नागरिक बन जाता है। याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि कौन नहीं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, देश के 130 करोड़ लोगों में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए जय भगवान गोयल और चंद्र प्रकाश त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों की याचिका में कहा गया था कि चूंकि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है तो ऐसे में उन्हें भारतीय नागरिक होने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने और एक पंजीकृत पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने से रोका जाना चाहिए। गोयल और त्यागी की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह याचिका खारिज करते हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा था। शिकायत में स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश की दिखाई है। उनका कहना था कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों को खारिज करें और कहें कि वो इन्हें प्रमाणित नहीं करते हैं।